हे वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक हो गए और ठीक ही रहना चाहिए। तो क्या आप भी ये बार बार सोचते हो कि मैं पियर साबुन का इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपने फेस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूं या खत्म कर सकती हूं? क्योंकि पियर साबुन का इस्तेमाल अधिकतर लड़कियां ही करना पसंद करती हैं ताकि वो अपनी स्किन को एक चमकता दमकता बना सके और लोग के झांसे में आके वो अपनी स्किन के साथ में किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं वो उन लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है, आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। आप लोग बस इस साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई मैं अपनी फेस प्रॉब्लम को खत्म कर सकूं, जैसे आपके फेस पे एक्ने है, पिंपल है, डार्क स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट है, अलग अलग तरह की फेस प्रॉब्लम अपने आपके फेस पे है, तो आप इस्तेमाल कर रहे हो पियर साबुन। तो दोस्त आगे बढ़ने से पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका फेस और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए पियर साबुन का बेनिफिट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पियर साबुन का बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो अलग पर्पस से बनाया गया है, उससे कुछ अलग ही बेनिफिट है, वो बेनिफिट मिलेंगे आपको, मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप पियर साबुन का इस्तेमाल करते हो तो वो बेनिफिट मिलेगा जो मैं आपको वीडियो में एंड तक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप एंड तक ज़रूर देखोगे, क्योंकि ये आपके फेस का सवाल है, आपके पैसों का सवाल है, आपके टाइम का सवाल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस भाई के चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस भाई को देख रहे हो, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। भाई चैनल के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो प्रेस करके सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा दोस्त। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट देन वीडियो। तो फाइनली गाइस, अगर आप पियर साबुन का इस्तेमाल करते हो और अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने फेस के एक्ने, पिंपल्स या वगैरह वगैरह प्रॉब्लम का बिल्कुल खत्म कर सकता हूं, तो दोस्त आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला हो। ये साबुन किस पर्पस से बनाया गया है? इस साबुन को बनाया गया है आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए, आपके फेस पे ब्राइट लाने के लिए, साधारण भाषा में अगर आपको कहें तो आपको गोरा बनाने के लिए। दोस्त मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से ज्यादा ब्राइट हो जाओगे, एकदम से गोरा हो जाओगे, नहीं, जो आपका ओरिजिनल कलर है, जो आपके बचपन में जो कलर था वो किसी कारण से दब गया है, किसी कारण से डल पड़ गया है, तो वो ओरिजिनल शेप में लाने का ये पियर साबुन काम करता है। क्योंकि इस सॉप में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए जो फेस ब्राइट करता है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस साबुन में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप पियर साबुन का इस्तेमाल करते हो तो आपके फेस पर ब्राइट मिलेगा, आप ग्लो मिलेगा, ना कि आपकी फेस प्रॉब्लम खत्म होगी। इसलिए खास करके दोस्त ध्यान रख लीजिए कि ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ही अगर आप इस साबुन का इस्तेमाल करते हो तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, फेस प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। तो इसलिए आज से इस वीडियो को आप इसलिए आज से ही साबुन को यूज करना बंद कर दीजिए। और हाँ, आप अपने फेस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो तो मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि फेस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कौन से साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये भी सोचते हो कि मैं दोनों साबुन का इस्तेमाल एक साथ कर लूंगा, जैसे कि आपके डॉक्टर ने कोई रिकमेंडेड किया है, या पियर साबुन को ग्लो करने के लिए आप अपने फेस पे दोनों साबुन का एक साथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे आपकी जो चमड़ी है, फेस की जो स्किन होती है, वो सेंसिटिव होने की वजह से एक ही केमिकल का भाई वो सहन कर सकती है। अगर आप अपने फेस पे जो फेस प्रॉब्लम है उसको पहले खत्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने फेस पे ग्लो लाने के बारे में सोचिए, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अपनी फेस को लेके। तो आज से ही आप सावधान रह जाइए, सतर्क हो जाइए, आपको पियर साबुन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्किन को ग्लो करने के लिए, फेस को ग्लो करने के लिए, ना कि आपकी फेस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। जो आप आज दिन तक किसी वहम में जी रहे थे, शायद आपको इस वीडियो की जानकारी सुन के ये लगा हो कि हाँ भाई, आज से ही आप अपने अंदर को जागरूकता ला के आप इस सॉप का इस्तेमाल बंद करोगे। हाँ, फेस पे ग्लो करना चाहते हो तो इस साबुन के लिए बेस्ट 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 दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हो, जो आपकी स्किन, जिनकी रूखी स्किन है, वो इस साबुन का इस्तेमाल करके अपने फेस पे मॉइस्चराइज भी ला सकते हो। इसलिए ये इस पर्पज़ के लिए साबुन बना हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपने भाई को चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने भाई की फैमिली का साथ बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।